वेलकम टू मैग्नेट ब्रिंस मैग्नेट ब्रिंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हाई हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया तो इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश की बात करेंगे और साथ में यूनेस्को

नागपुर को कहा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपसे कोई पूछे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया तो टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया है हमारी नागपुर एंड टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया है हमारी मध्य प्रदेश इंडिया के पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन है बिग कैट्स की राइट इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया आपको पता है कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान है लेकिन 2000 से पहले ईयर 2000 से पहले छत्तीस तो हमारी मध्य प्रदेश जो है वो हमारी सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है वो स्टेट थी लेकिन जब वो काव्ड आउट किया गया छत्तीसगढ़ को उसमें से तो ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट जो है बन गई और आज के टाइम में लार्जेस्ट स्टेट है हमारी राजस्थान अगर हम बात करते स्टेट एनिमल की तो स्वम डियर जिसे बारा सिंगा भी बोलते हैं, राइट स्टेट बर्ड जो है मध्य प्रदेश का वो है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जिसे दूध राज के नाम से भी लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है स्टेट फिश की बात की जाए तो महाशीर जो है वो स्टेट फिश है हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें स्टेट ट्री की तो बनियन ट्री जो है वो स्टेट ट्री है मध्य प्रदेश का देखिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की इसका स्टेट एनिमल है स्वाम डियर जिसे बारह बोलते हैं स्टेट बर्ड है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जिसे दूध के नाम से भी जाना जाता है स्टेट फिश है महाशीर और स्टेट ट्री है बनियन ट्री राइट अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश अगर हम टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है सेकेंड नंबर पे आता है हमारा कर्नाटका थर्ड नंबर पे आता है हमारा उत्तराखंड और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा जो टाइगर पॉपुलेशन है वो हमारी मध्य प्रदेश में इसीलिए इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है आपको पता है हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो लॉन्च हुआ था फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1973 में फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1973 में जो है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था क्योंकि इंडिया के पास सबसे ज्यादा टाइगर्स और इंडिया को टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारे सेवन टाइगर रिजर्व से है कौन कौन सा काना टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व सतपुरा टाइगर रिजर्व संजय धुबरी और अभी जो लेटेस्ट बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व तो सेवन टाइगर रिजर्व है हमारे मध्य प्रदेश में कान्हा पेंच बांधवगढ़ पन्ना, संजय और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है मध्य प्रदेश में आपको पता होना चाहिए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे पेरिस फ्रांस में है राइट तो यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम का बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स तो तीन यूनेस्को साइट मध्य प्रदेश में रॉक शेल्टर्स ऑफ का सांची के मॉन्यूमेंट्स और उसके साथ साथ खजुराहो ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है राइट right? नेक्स्ट अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो है उसका में वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है इंडिया का वो आपका मध्य प्रदेश में है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी हम इसे बोलते हैं अगर एक बार बुक की बात की जाए रुडियार्ड किपलिंग ने एक बुक लिखी थी तो जंगल बुक उसको लिखने की इंस्पिरेशन उन्हें पेंच नेशनल पार्क से मिली थी जो कि हमारा मध्य प्रदेश में ही है नेक्स्ट स्नूकर गेम कहाँ पे इन्वेंट हुई तो स्नूकर गेम का इन्वेंशन जो हुआ है वो जबलपुर में हुआ अब बात करते हैं मिया तानसेन की तानसेन जो है अकबर के नौ रत्नों में से एक थे और तानसेन को मिया की उपाधि जो है वो अकबर के द्वारा दी गई थी तो तानसेन जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक में को बिलोंग करते थे और वो अकबर के नाइन रत्न में से एक थे जिसको जो है अकबर ने उनको मिया की उप उपाधि दी थी और साथ में इन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है अब हमने हमेशा पढ़ा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो वो एट स्टेट्स में से पास होती है उनमें से एक स्टेट हमारी मध्य प्रदेश भी है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मध्य प्रदेश एट स्टेट्स में से पास होती है उनमें से मध्य प्रदेश भी एक है भोपाल इज द ओनली सिटी है जहाँ पे रूल किया गया बेगम्स के द्वारा ओवर हंड्रेड इयर्स ठीक है बहुत ग्लोरियस फेज रहा होगा जब बेगम्स ने इसे रूल किया राइट नेक्स्ट अगर बात करें तो उज्जैन को ग्रीनविच ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उज्जैन इज कंसीडर एज द ग्रीनविच ऑफ इंडिया आपसे कभी पूछा जाए किसी कॉम्पिटिटिव, देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात नहीं पढ़ रहे हैं कर रहे हैं हम पूछ रहे हैं ग्रीनविच ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है उज्जैन को और उज्जैन जो हमारी महाकाल की नगरी है वो शिप्रा नदी के किनारे है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग जिसे हम सिमस्त भी बोलते हैं जिसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है जो 12 साल में एक बार होता है वो भी आपका मध्य प्रदेश में ही होता है नर्मदा रिवर ये मध्य प्रदेश की फेमस रिवर में से एक है और ये अमरकंटक की हिल्स में से राइस करती है तो नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ से राइज करती है अमरकंटक हिल में से और फेमस धुआंधार फॉल्स और मार्बल रॉक्स भी आपकी मध्य प्रदेश में ही हैं। तो ये थी मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन राइट आई होप यू लाइक ऑल द इंफॉर्मेशन डोंट फर्गेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम हैव स्टे